सो हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं वर्ली हेल्थ एडवाइस। तो आज इस वीडियो में मैं जानकारी देने जा रहा हूँ डेक्सोना इंजेक्शंस के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ये इंजेक्शन है, काफ़ी सारे मेडिसिन के साथ ही इस इंजेक्शंस को मिक्स कर भी दिया जाता है। तो डेक्सोना किन बीमारियों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है और इसके डोजेस क्या हो सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये एक एस्ट्रॉइडल इंजेक्शंस है और इसके साइड इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट किन बीमारियों में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है। तो अगर आपको डेक्सोना के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर को भी फॉलो कर लें। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल बिना किसी डॉक्टर सलाह के आप अपने घर पर ना करें। डेक्सोना में जिस मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया गया है वो है डेक्सामेथासोन, और डेक्सामेथासोन एक कॉर्टिकोस्टेरॉइडल ग्रुप की मेडिसिन है। डेक्सोना का इस्तेमाल काफ़ी सारी बीमारियों में की जाती है, लेकिन कुछ बीमारियों में इसका रिजल्ट काफ़ी बेहतर देखा गया है। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में डेक्सोना का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर किया जाता है और उसका रिजल्ट सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में काफ़ी बेहतर देखा गया है। अगर आपको किसी भी वस्तु से एलर्जी है और वो सीवियर कंडीशन तक पहुंच जाती है तो आपके लिप्स में स्वेलिंग हो जाएंगे, रेडनेस हो जाएगा, आपके पूरे शरीर में चक्के निकलने शुरू हो जाएंगे, रैसेस महसूस होगी, रेडनेस हो जाएगा, तो वहाँ पे डेक्सोना का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर किया जाता है। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम में भी डेक्सोना का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया है, लेकिन अगर आर्थराइटिस के कारण अगर आपको जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम होती है तो उस जॉइंट पेन की प्रॉब्लम को डेक्सोना काफ़ी हद तक ठीक नहीं कर पाता है, लेकिन आर्थराइटिस की समस्या में डेक्सोना का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया है। अस्थमा की समस्या में भी डेक्सोना का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ मेडिसिंस के साथ मिलाकर इसका रिजल्ट काफ़ी बेहतर देखा गया है अस्थमा में। शुरुआती दौर के जो अस्थमा होते हैं यानी इनिशियल पीरियड के जो अस्थमा होते हैं उसमें भी डेक्सोना का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया है। स्किन प्रॉब्लम में भी डेक्सोना का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया है, लेकिन फंगल इन्फेक्शंस को छोड़कर, अगर आपको फंगल इन्फेक्शंस की समस्या है तो आप डेक्सोना का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। तो स्किन प्रॉब्लम्स में डेक्सोना का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया है। ऑटो इम्यून में भी डेक्सोना का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया है, लेकिन सोराइसिस जैसे केसेस में डेक्सोना काफ़ी बेहतर वर्क नहीं करता है। लेकिन अगर आप डेक्सोना का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके इम्यूनिटी को कम करता है, इसलिए ऑटो इम्यून में डेक्सोना का इस्तेमाल देखा गया है। तो आप जानते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। हालांकि डेक्सोना का इस्तेमाल से सभी लोगों में इसका साइड इफ़ेक्ट देखा नहीं गया है, लेकिन जिनमें इसका साइड इफ़ेक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये एक एस्ट्रॉइडल मेडिसिन है। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो हेडेक के रूप में होता है, इंक्रीज एपेटाइटिस यानी आपके भूख में बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर आपको किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट होता है तो आपका जो भूख लगने का दिनचर्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप काफ़ी ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देंगे। आपके वेट गेन की समस्या देखी गई है, अगर आपको किसी भी तरह की साइड इफ़ेक्ट होती है तो वेट गेन की समस्या भी देखी गई है, चक्कर आने की भी समस्या देखी गई है, अगर आप सोते हैं तो सो नहीं पाएंगे अगर किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट हुआ तो। अगर लेडीज़ में किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस देखा गया है, एक समय पर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ पाती है अगर किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट होता है तो। तो अब जानते हैं डेक्सोना के डोजेस के बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इसके डोजेस हमेशा वेरी करते रहते हैं बीमारी के अनुसार, सीवियरिटी के अनुसार और वेट के अनुसार। इसका कोई फिक्स डोज नहीं है। अगर आपको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है तो वहाँ पर कोई अलग डोज इस्तेमाल किया जाता है, अगर आपको अर्थराइटिस की समस्या है तो वहाँ पर कुछ अलग डोजेज इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इसका कोई फिक्स डोज नहीं है। अगर आप किसी सीवियरिटी काफ़ी ज़्यादा है तो इसके डोजेस बढ़ाए जा सकते हैं, अगर आपकी सीवियरिटी काफ़ी कम है तो इसके डोजेस घटाए जा सकते हैं। अगर आपको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसके डोजेस काफ़ी ज़्यादा दिए जाते हैं, तो इसके कोई फिक्स डोज नहीं है। इसका जो प्रिकॉशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन है तो आप इस डेक्सोना का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। अगर आपको चिकन पॉक्स की समस्या है या तो फिर मिजल्स की समस्या है तो इस डेक्सोना इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके।